मनेन्द्रगढ़ में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बंद पड़ी सोनोग्राफी मशीन शुरू करने की मांग की। कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए जिलाध्यक्ष अंकुर जैन ने कहा कि करीब 3 साल से अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन बंद पड़ी हुई है। विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयास से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोर्टेबल एडवांस सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन टेक्निकल ऑपरेटर नहीं होने पर सोनोग्राफी मशीन धूल खा रही है। इस वजह से ग्रामीणों, किसानों और गरीब लोगों को निजी क्लिनिक में ज्यादा पैसे देकर सोनोग्राफी करवानी पड़ रही है। आज जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया। मनेन्द्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 साल पहले सोनोग्राफी मशीन आई थी, आज तक किसी का उस उपयोग नहीं किया गया, किसी के ऊपर उसका उपयोग नहीं किया गया। आज तक वह बंद कबाड़ हो रही है। हमारी कलेक्टर साहब से मांग है कि उसे तत्काल शुरू करवाएं और आसपास के किसान, पूरे कोरिया जिले की जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। इसके पहले भी 2008 में मशीन खरीदी गई थी जो कबाड़ हो गई और किसी के काम नहीं आई। ये मशीन अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो कम से कम किसी संस्था या किसी प्राइवेट ही नर्सिंग होम को दान दे दीजिए, कम से कम इसका उपयोग तो कर सकें। और यूँ ही कबाड़ करना है तो क्या मतलब सरकार के पास।